ये विजय सालगांवकर ने बड़ी चालाकी से सबको उल्लू बनाया, उसने पक्का बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। कोई तो होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा। तो दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को बॉक्स ऑफिस पर आज हो चुके हैं 14 दिन, यानी कि 2 हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने रिलीज होते ही 2 हफ्ते कैसे निकाल दिए पता नहीं चला, लेकिन अभी भी फिल्म के कलेक्शन काफी शानदार होते जा रहे हैं और फिल्म ने 2 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस से जो कमाई की है वो पूरी तरह से भयंकर है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दृश्यम 2 के शुरुआती 2 हफ्तों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने ₹1 करोड़ कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि दृश्यम 2 फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी फिल्म दृश्यम 2, जिस फिल्म में सुपरस्टार मास महाराजा अजय देवगन के साथ देखने को मिले थे अक्षय खन्ना, वही फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन और इशिता दत्ता जैसी तीन खूबसूरत हीरोइन थी। अब दोस्तों, इस फिल्म का बजट जहां ₹50 करोड़ था और फिल्म को रिलीज पहले हफ्ते में 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में भेड़िया रिलीज हो गई जिसकी वजह से दृश्यम 2 की स्क्रीन कम कर दी गई थी। लेकिन एक तरफ जहां स्क्रीन कम हुई पर फिल्म के जो कलेक्शन है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुए और फिल्म ने जहां पहले हफ्ते में ही ₹100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, वही दूसरे हफ्ते में टिकट रेट कम, स्क्रीन कम, इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन ताबड़ तोड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की दृश्यम 2 के टोटल डिटेल कलेक्शन के बारे में तो दृश्यम 2 ने शुरुआती 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन 104 करोड़ 66 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों, फिल्म ने अपने 8वें दिन 7 करोड़ 87 लाख रुपए कमाए थे, 9वें दिन 14 करोड़ 5 लाख रुपए, 10वें दिन 17 करोड़ 32 लाख रुपए, तो 11वें दिन 5 करोड़ 44 लाख, वही 12वें दिन 5 करोड़ 15 लाख, तो 13वें दिन 4 करोड़ 90 लाख, वही 14वें दिन यानी कि आज ये फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों, दृश्यम 2 का शुरुआती 2 हफ्तों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 164 करोड़ यानी कि 164 करोड़ रुपए, वही जो इंडिया का ग्रोस कलेक्शन है वो हो चुका है 195 करोड़ का। बात की जाए ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में तो दोस्तों, दृश्यम 2 ने अभी तक विदेशों से टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है लगभग 41 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, दृश्यम 2 का शुरुआती 2 हफ्तों में जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो रहा है लगभग 236 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 2 हफ्तों में फिल्म 236 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरे हफ्ते में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 260 करोड़ या 270 करोड़ रुपए चले जाएगा और चौथे हफ्ते में फिल्म कैसा परफॉर्म करती है उसके बाद ही पता चलेगा कि फिल्म का वर्ल्ड वाइड फाइनल कलेक्शन 300 करोड़ तक जाता है या नहीं। हालांकि दोस्तों, चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि अगले हफ्ते यानी कि कल भी कोई बॉलीवुड की बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही और उसके अगले हफ्ते भी बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म नहीं है, तो यहां पर 300 करोड़ का आंकड़ा दृश्यम 2 99% क्रॉस कर सकती है। बाकी डिपेंड है कि फिल्म अब तीसरे हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर पाती है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है दृश्यम 2 का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहां तक जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।